नाजरीन, द लोकल जर्नलिस्ट हेडलाइंस में आप सबों का खैर मकदम है। मैं हूं शमसुद्दीन। आज की 10 अहम खबरें। मोदी के स्पीच में कोरोना से रिलेटेड अहम मसला गायब, कम्युनिस्ट लीडर येचुरी का बयान। पीएम ने हेडलाइन तो दे दी, अब देखना है कि गरीबों को क्या मिलेगा, कांग्रेसी लीडर चिदंबरम का बयान। लॉकडाउन का असर, 67% मजदूर बेरोजगार, 50% देही आवाम आधा पेट खाने को मजबूर, सर्वे रिपोर्ट। खुद कफील हिंदुस्तान का रोड मैप तैयार, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने राहत पैकेज का खाका पेश किया। सरकार ने MSME की तारीफ बदली। मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन को ईद बोनस देने का ममता का ऐलान। वजीर आला ने पीएम मोदी के पैकेज के ऐलान को बिग जीरो करार दिया। विश्वगुरु भारत की नई तस्वीर, मजदूर का दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल। घर पहुंचने के लिए बारी बारी बैल बन रहे हैं मर्द और औरत। तेलीपाड़ा में फसाद भड़काने वाले अंडाल से दो गिरफ्तार। फसाद में मुतासरीन के लिए मुआवजा और 17 मई तक कर्फ्यू का ऐलान। डॉक्टर कफील पर आयद NSA की मुद्दत 3 महीने के लिए बढ़ाई गई। कलकत्ता में 20 मई से प्राइवेट और मिनी बसें चलने लगेंगी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के वर्किंग प्रेसिडेंट अरमान कबीर ने हावड़ पुलिस स्टेशन को अपना होटल सम्राट ऑफर किया है कोरोना वायरस क्वारंटाइन सेंटर के लिए। खबर को देखने के लिए द लोकल जर्नलिस्ट के YouTube को सब्सक्राइब करें और Facebook पर लाइक एंड शेयर करें।